हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ कंप्यूटर से लेके टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, जो कि जितने भी कमिंग एग्जाम हैं आपके SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, इवन यदि आप अभी इस समय आप एक अप्लीकेशन आपने फिल किया है, यदि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल में या DSSB में अप्लीकेशन किया है फिल, या झारखंड PGT में अप्लीकेशन फिल किया है इस पोस्ट के लिए, टीचर पोस्ट के लिए, तो उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक पार्ट है जहां से कंप्यूटर क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में कम्प्लीटली। इसमें अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और कई सारे नंबर्स में क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर देंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये कहता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई थी, कंप्यूटर से हुई थी, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से इसका इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म हो क्या होता है आप जानते ही हैं नॉर्मली, बट एक बार मैं बताता हूँ इसमें जानकारी के लिए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर द टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च, ये नॉर्मल इसके हैं। बट सेकेंड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था। यानी अबेकस जो कि कंप्यूटर का सबसे पहला फॉर्मेट आता है, अबेकस जिसका जो आविष्कार अबेकस जिसको कहते हैं, अबेकस भी कहते हैं, इसका जो आविष्कार किया था ली कोई चेन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वीडियो इसमें क्वेश्चंस कवर किया हूँ, यानी क्वेश्चन डिफरेंस है बट कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन मैंने कवर किया जो कि हिंदी में ज़्यादा सुटेबल नहीं थे, तो वो उसको मैंने इंग्लिश में कवर किया है इसमें। जैसे इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 1 byte इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, यानी 1 byte जो है कितने बिट्स के बराबर होता है, वह 8 bits के बराबर होता है 1 byte। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आप एम एस वर्ड में काम करते हैं तो ऑल्टर शिफ्ट प्लस डी का मतलब क्या होता है। यदि ऑल्टर शिफ्ट एंड डी आप तीनों प्रेस करते हैं 1 time तो क्या कुछ ऐसा होगा, तो आपकी जो फाइल पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेट, जो डेट टाइम आपका है जिस समय आप काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर देगा, एक इंसर्ट हो जाएगा पेज पे आपका डेट टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेट, रेट का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रेट, RAID, इसका जो फुल फॉर्म है रिडंडेंट है एरे ऑफ द एक्सपेंसिव, तो आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए रिडंडेंट है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैव इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज प्रोग्राम, जो आप C++, जावा जो भी कोर्सेस आपने देखा होगा, कई बार आप पर कॉल्स भी आती होगी, आपने कई जगह बैनर्स भी देखे होंगे कि C++ लैंग्वेज सिखाया जाता है वेब डिजाइन से रिलेटेड, या कोडिंग डिकोडिंग दिखाया जाता है उसमें किस तरह C++ लैंग्वेज काम करता है। तो ये इसका जो इन्वेंशन किया था, यानी इसकी जो खोज की थी, इन्वेंशन किया था वो किसने किया, उनका नाम क्या है, वो है डेनिस एम रिचे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हु डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट द पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको आप कह सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, वो कैसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कि फॉल्ट को, काज को, फॉल्ट को जो कमी है वो फाइंड आउट करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के फादर जैसे आप जानते हैं चार्ल्स बैबेज हैं, तो जो आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक है उनको कहा जाता है, उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज शॉर्टेड एक्सेस, यानी कौन सी मेमोरी का ऐसी होती है, जैसे आप हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, फ्लॉफी हुआ, तो इस तरह से कौन सी सिस्टम या कंप्यूटर लैपटॉप में कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो कुछ क्षणों के लिए होती है, थोड़ा सा उसका एक्सेस होता है, थोड़ी देर के लिए उसके पास स्टोर रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, वो कैचअप मेमोरी, जैसे आप हिस्ट्री में कोई देखकर कैचअप डिलीट कर देते हैं, कुछ काम किए होते हैं सारी डिटेल्स में रहती हैं, वो होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड, ट्रांजिस्टर जो है वो कब इन्वेंट किया गया था, उनका उसकी खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1948 ईस्वी में, यानी 1948 ईयर्स में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्मित पर्सनल कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट मेड कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पहला कंप्यूटर है वो कौन था जो कि निर्मित पर्सनल कंप्यूटर है, वो है सिद्धार्थ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अनुराग कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड वेयर, एक अनुराग कंप्यूटर है इसका नाम है अनुराज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसका जो इन्वेंशन किया था, इसकी जो खोज की थी या इन्वेंशन किया था, कौन सी कंट्री ने किया था, वो इंडिया ने किया था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेटवर्किंग सच है लैंड वैन मैन, ये सब किस जनरेशन में आते हैं, ये आते हैं 4th generation के अंतर्गत। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वह पैक मैन नामक कंप्यूटर किस नाम के लिए बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया, सॉरी
जो पैक मैन कंप्यूटर है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, ये किस लिए की किस काम के लिए इसे इन्वेंट किया गया था, क्यों बनाया गया था ये पैक मैन कंप्यूटर? पैक मैन जो कंप्यूटर है वो खेल के लिए बनाया गया था या गेमिंग के लिए या इस तरह से खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का समय क्या था, यानी फर्स्ट पीरियड ऑफ द कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका जो पीरियड टाइम पीरियड है वो क्या है? 1940 से 1956, ये 15-16 साल का है टोटल पीरियड। एंड व्हाट इज द यूजर ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ विंडो प्लस डब्ल्यू इन एमएस वर्ड? यदि आप एमएस वर्ड यूज करते हैं तो उस समय यदि कोई फाइल ओपन रहती है तो आप चाहते हो डायरेक्ट टाइप वो फाइल क्लोज हो जाए तो वहाँ पर यूज किया जाता है विंडो प्लस डब्ल्यू का। अगर यूज करते हैं आप तो एमएस वर्ड की जो फाइल है वो करेंटली वो क्लोज हो जाती है। ये शॉर्ट की है, शॉर्ट की मैंने वीडियो और बनाया है, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं या नहीं करते तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बैंक के एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है। कोई भी शॉर्ट की दे दिया जाएगा, आप पूछ लीजिएगा इसका शॉर्ट की का एक्शन क्या है, इसका काम क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है, या अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है इससे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसीफील? डेसीफील क्या है? डेसीफील एक प्रिंटर है। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर का टाइम वो क्या है? 1956 से लेकर 1963 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, वो उसका पीरियड क्या है, कौन सा पीरियड को कहते हैं तृतीय श्रेणी का कंप्यूटर? यानी जो तीसरी श्रेणी का जो कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया था वो है 1964 से लेकर 1971, 1964 to 1971। ये आपका हो गया 7 साल तक चला था आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो चौथी पीढ़ी है वो 1971 से लेके आज तक जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारे के सारे जो है चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। फिफ्थ श्रेणी की बात चल रही है, जो कि वहाँ से जो एडवांस एंड सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आते हैं, पर जो नॉर्मली यूज करने वाले कंप्यूटर हैं फोर्थ जनरेशन तक ही लिमिट है। हु इज नोन एज द इंटरनेट फादर, यानी इंटरनेट फादर यानी इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? विंडसर्फ ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का फादर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन के जो आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा है। व्हाट इज द नॉर्टन? नॉर्टन क्या है? नॉर्टन इज एन एंटीवायरस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इन व्हाट रिस्पेक्ट कंप्यूटर्स आर सुपेरियर टू ह्यूमन बीइंग्स बीइंग्स, यानी किस पर्पस में, किस रिस्पेक्ट, किस फील्ड में जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रांग है, सुपीरियर है, वो है डिलीजेंस। डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर होता है? वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड जो कि कंप्यूटर के एक फर्स्ट श्रेणी आप कह सकते हैं वो किया था उनका, उसका उपयोग जो किया था फर्स्ट सर्वप्रथम पंच कार्ड का, वो किया था जोसेफ मैरी ने किया था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसके बने हुए थे? इंटीग्रेटेड मतलब मदरबोर्ड हुआ आपका, हार्ड डिस्क हुआ, जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ड हैं वो किसके बने होते हैं? ज़्यादातर जो बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ब्लू जीन कंप्यूटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर एका है। एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होता है जो आप, यानी वह प्रोसेसर जो उपभोक्ता को देता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपने प्रिंट आउट दिया तो प्रिंट निकल आया था तो आपका हार्ड कॉपी हो गया एक तरह से, तो वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। या आपने कीबोर्ड कुछ टाइप किया, स्क्रीन पे दिख गया तो हो गया आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो कुछ आपको दिखता है, आपको एक स्रोत होता है वहाँ से पाने का, वो होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता है जो भी हम एंटर करते हैं, लेकिन हमें दिखता है ज़रूर लेकिन हम उसको ले नहीं सकते हैं, तो हुआ इनपुट डिवाइस। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, वो है इनपुट डिवाइस जो हम एंट्री करते हैं कुछ नॉर्मली। हु हैज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम अबाउट द पंच कार्ड? पंच कार्ड का सबसे पहले किसने उन्मूलन किया था? वो कहते हैं हरमन हॉलरिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका वो क्या है? मेन काम क्या है डिजिटल कंप्यूटर का? वो है गणना एंड तर्क, यानी काउंटिंग एंड तर्क। कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है किसकी बनी होती है? आईसी चिप जो जो ट्रांजिस्टर्स में भी होते हैं एंड रेडियोज आप देख सकते हैं, या आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप सीडीज प्लेयर यूज करते हैं तो उसमें आईसी का काम होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो कि कंप्यूटर में लगे हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत सारे होते हैं, वो है इसमें। वह कंप्यूटर जो पोर्टेबल नहीं हो सकता, वो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं होता? वो मिनी कंप्यूटर होता है। आईबीएम कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि इंडिया में कंपनी है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है जो कि कई सारे लैपटॉप्स एंड जो लैपटॉप्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उसको असेंबल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आगे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, वो
आईबीएम के कंपनी के थ्रू बनाए जाते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आईबीएम कंपनी बनाती है स्पेशली, एंड वेब डिजाइनिंग कंपनी भी आईबीएम कंपनी है जो कि बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स जो है शेयरवेयर का सॉफ्टवेयर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी बटन का प्रयोग किया जाता है? अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, जब स्लाइड शो होती है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, कुछ काम किया, तो स्लाइड शो जो दिखता है उसमें क्लिक करते ही आपका एक फ्लैश वाइज होता है, उसमें फ्लैश दिखने चालू हो जाता है किस तरीके से आप देखना चाहते हो। फंक्शन की होती है, फंक्शन की नंबर 5 यानी F5 पे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो है डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाता है। किस बटन की सहायता से जल्दी से नंबर डायल किया जा सकता है? न्यूमेरिक पैड जो कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड होता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड, जहाँ सारे सर्किट्स एक्टिवेट किए जाते हैं, वहीं से सारे सर्किट्स का कंट्रोलिंग होती है। पूरा कंप्यूटर जो काम करता है मदरबोर्ड पर ही काम करता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा समझता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है, इंटरनेट कनेक्ट करता है, एंड लैंडलाइन फोन से इस तरह कई सारे काम होते हैं राउटर्स के। यदि आप टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आपको आइडिया होगा राउटर, बट आप इतना जान लीजिए कि ये एक नेटवर्क डिवाइस है। हु हैज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजिन? चार्ल्स बैगेज ने किया था इसका इन्वेंशन। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हब किस नेटवर्क से संबंध रखता है? वो स्टार नेटवर्क से संबंध रखता है। टेलीफोन में कौन सा नेटवर्क प्रयोग किया जाता है? लैंड वैन, तो वैन यूज किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन कंप्यूटर एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सेलिब्रेशन जो डे है, यानी विश्व आप कह सकते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 2 दिसंबर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर और टेलीफोन को कैसे मिलाते हैं एक दूसरे को? मॉडेम की सहायता से हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। DML का फुल फॉर्म क्या होता है? DML का जो फुल फॉर्म होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि कमिंग एग्जाम जितने भी हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंक, रेलवे या स्टेट लेवल की, या आप एक जानकारी रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं वीडियो और बनाऊंगा, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ऑन सेम टाइम आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। क्योंकि कमिंग एग्जाम जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 एग्जाम है, एक है आर्मी पब्लिक स्कूल का और अभी जो एक और एग्जाम आ ये DSSB का जो एग्जाम आ गया, ये भी इसमें बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ये एक पार्ट है, कंप्यूटर का एक पार्ट है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे 2 ही नंबर का है या 4 नंबर है, 10 नंबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर आते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।